हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर वर्ल्ड पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा या फिर आप ऑलरेडी मेरी पहले की वीडियोस देख रहे हो, तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस की। हमने पुरानी वीडियोस के अंदर अलिट्रेशन को देखा, सिमिली को देखा, मेटाफर को देखा, और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन को। पर्सोनिफिकेशन जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है आपके, ये क्लास जो है वैसे तो आपको पता होना चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट फिर मैं बता देता हूँ कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट होता है उसमें आपके ये टॉपिक है। रीट के मेंस एग्ज़ाम के अंदर भी है, सीटेट के अंदर भी आते हैं, पीटेट के अंदर भी आते हैं, आपके जितने भी पीजीटी टीजीटी जहाँ पर इंग्लिश आती है वहाँ पर लिटरेचर का पोर्शन आपसे पूछा जाता है। उसके अंदर आपके टॉपिक में लिखा होता है कि लिटरेरी डिवाइसेस एंड फॉर्म्स या फिर टर्म्स, तो उसी में से एक टॉपिक निकल के आता है आपका पर्सोनिफिकेशन का। हम इस वीडियो के अंदर बड़ी ही क्लियरली के साथ, क्लैरिफिकेशन के साथ बिल्कुल क्लियर करेंगे कि पर्सोनिफिकेशन क्या है। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पर बात करूँगा, समय बहुत कीमती है मेरे को अच्छे से पता है। पर्सोनिफिकेशन हिंदी के अंदर हम इसे कहते हैं मानवीकरण करना, यानी कि एक प्रकार का अलंकार होता है। पहले जैसे मेरी आदत है मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल वर्डिंग के अंदर समझाऊंगा कि पर्सोनिफिकेशन है क्या। बुकिश लैंग्वेज डेफिनेशंस एग्जांपल्स सारा कुछ देखेंगे विद पिक्चर्स, बट एक बार दिमाग के अंदर आइडिया क्लियर करें कि क्या है पर्सोनिफिकेशन। देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि रात को मैं तारों के साथ बातें करता रहा, ये तारे मेरी बातें सुनते रहे, हम तारों से बातें करते रहे। चंद्रमा मेरे को देख रहा था, ये सुनसान रात मेरा साथ दे रही थी, मेरे दुख में मेरे साथ गा रही थी। अभी जितने मैंने सेंटेंसेस बोले हैं मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई रात को मैं तारों से बातें करता रहा। एक बात बताइए, क्या तारे बोल सकते हैं? कैन स्टार्स स्पीक? योर आंसर विल बी नो। आप कहोगे कि तारे सर बोलते नहीं हैं, बट मैंने कहा कि मैं तारों से बातें करता रहा। फिर मैंने कहा कि चंद्रमा मेरी बातें सुनता रहा, इट मीन्स मून लिसन लिसन माई टॉकिंग्स। क्या चांद मेरी बातें सुन सकता है क्या? क्या चांद के कान होते हैं क्या? आप कहोगे नहीं। मैंने कहा कि ये रात मेरे दुख में मेरे गीतों के साथ गीत गाती रही। क्या रात जो है नाइट है, कैन नाइट सिंग? क्या रात गा सकती है? क्या वो कोई इंसान है क्या? नहीं है ना। यही है आपका एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का। इसका मतलब कि जब आप नो लिविंग थिंग्स को, यानी कि जो चीज़ें इंसानी नहीं हैं, हम डेफिनेशन में देखेंगे, एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई तुम्हारी बुराई तुम्हें मार देगी। क्यों? बुराई कोई इंसान है क्या जो गोली चला देगी? नहीं ना। तो यही तो है कि जब आप जो इंसानी चीज़ें नहीं हैं उनको इंसानी गुण देते हो, उनका मानवीकरण करते हो, यू पर्सोनिफाइज दैट थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यही होता है आपका पर्सोनिफिकेशन सिंपल भाषा के अंदर। तो यहाँ पर स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हो मैरी शैले, पी वी शैले की वाइफ, वाइफ ऑफ पी वी शैले, वेल नोन पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने एक लाइन ने लिखी थी, द मून गेज्ड ऑन माई मिड नाइट्स। पहली लाइन से क्लियर क्या हो रहा है, उन्होंने लिखा है कि मून गेज्ड। अब गेज क्या होता है? देखना, निहारना, तखना। क्या कोई चांद किसी को देख सकता है क्या? क्या चांद की आंखें हैं क्या? दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। अब चलते हैं डिटेल में आपकी बुकिश लैंग्वेज की तरफ। देखिए व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर ए नो लिविंग ऑब्जेक्ट एन एनिमल और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। सीधी सी बात है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिंदा नहीं है, कहने का मतलब जो इंसानी चीज़ें नहीं हैं, कोई एनिमल भी आ सकता है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आपकी अच्छाई बुराई, ये सारे के सारे, अच्छापन बचपन, ये सारी चीज़ें जो रियल के अंदर नहीं हैं, सिर्फ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, अमूर्त चीज़ें हैं, जब उनको आप इंसानी क्वालिटी देते हो
व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज वर्चूज फीलिंग्स एक्शंस दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड परसोनिफिकेशन। उसे हम कहते हैं परसोनिफिकेशन या फिर मानवीकरण करना। किसका मानवीकरण करोगे? क्या मानव का मानवीकरण करोगे? नहीं ना, मानव तो खुद मानव है। मानव के अलावा, इंसान के अलावा बाकी चीज़ों को इंसानी गुण दे देना। जैसे मैं यहीं पे कह दूँ, देखो ये मेरा फ़ोन मेरा एक दोस्त है। क्या फ़ोन दोस्त हो सकता है क्या? नहीं ना। तो यही तो आपका पर्सोनिफिकेशन। द सेंटेंस इज इन्वॉल्व ए ह्यूमन एक्शन। कोई सेंटेंस आपको मिलेगा, उसके अंदर कोई ना कोई इंसानी गुण आपको मिलेंगे। जैसे कि अब मैंने एग्जांपल आपको दिए थे, ठीक है, मैं कह दूं कि भाई कोई भी एग्जांपल, बुक्स मेरी सच्ची फ्रेंड्स हैं, बुक्स आर माय ट्रू फ्रेंड्स, किताबें मेरी रियल फ्रेंड्स हैं, बुक कैन नॉट बी ए फ्रेंड बिकॉज बुक इज़ नॉट ए लिविंग थिंग। बट यहाँ पर क्या है, बुक को पर्सोनिफाई कर दिया। द पोइट राइट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट एज इट इज़ एन पर्सन। कोई भी पोइट वो ऐसे लिखता है जैसे कि ये कोई चीज़ पर्सन के बारे में लिख रहा है। फोटो के अंदर देखिए आपको तस्वीर में क्या दिख रहा है कि फ़ोन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इंसान है, इनके हाथ भी हैं, इनके पैर भी हैं, शूज़ भी पहन रखे हैं। वो कह रहा है कि आई लव यू। अरे वाह, उसके सामने से क्या रिप्लाई आ रहा है, पता नहीं क्या है ना। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, बट ये तो इंसान नहीं है। इनके गुण इंसानों जैसे हैं, गुण लक्षण कह दो इंसानों जैसे हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। आगे चलते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से आपके बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, विंड येल्स वाइल ब्लोइंग। अब येल्स करना क्या होता है? चीखना, जोर जोर से चिल्लाहट करना। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि जब हवा बहती है तो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। क्या हवा चिल्ला सकती है क्या? चिल्लाता कौन है? इंसान। हम चिल्लाते हैं, हम लोग इंसान चिल्लाते हैं, येलिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, विंड येल्स वाइल ब्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज विंड कैन नॉट येल। हवा येलिंग नहीं कर सकती, ओनली ए लिविंग थिंग कैन येल। आगे एग्जाम्पल देखिए, नेकलेस इज ए फ्रेंड। जो लॉकेट होता है वो फ्रेंड होता है, लॉकेट। अब बताइए क्या कोई लॉकेट फ्रेंड हो सकता है? क्या वो कोई इंसान है? नहीं। तो ये सेंटेंस जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज ए नेकलेस इज ए थिंग एंड नेकलेसेस कैन नॉट बी फ्रेंड्स। कोई गले का लॉकेट आपका दोस्त नहीं हो सकता। ओनली लिविंग थिंग्स कैन हैव फ्रेंड्स। जो इंसानी चीज़ें हैं वो, जैसे मेरे दोस्त हैं आपके दोस्त होंगे, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एक चीज़ और है, ये पूछा जा सकता है कि इसमें पर्सोनिफाई किसको किया गया है। तो यहाँ पर नेकलेस को पर्सोनिफाई किया गया है और ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर विंड इज पर्सोनिफाइड। आगे देखिए, आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके। वाई पर्सोनिफाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि पर्सोनिफाई ही क्यों, क्यों किया जाता है पर्सोनिफिकेशन चीज़ों का। पर्सोनिफिकेशन कैन मेक थिंग्स ईजियर टू इमेजिन व्हेन यू रीड देम। क्या है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो आपकी इमेजिनेशन क्लियर हो जाती है कि भाई ये चीज़ कैसी रही होगी, उनको क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, यू कांट सी द विंड। आप हवा को नहीं देख सकते। क्या आप हवा को देख सकते हो? नहीं। बट इस संबंध रोट, मान लो किसी ने एक सेंटेंस लिख दिया और सेंटेंस के अंदर लिख दिया द विंड रेज्ड विद फियरस एंगर, कि हवा गुस्से के साथ भड़की। अब इसका मतलब कि बहुत तेज़ी से चली होगी। तो यहाँ पे हवा को पर्सोनिफाई करके उसकी क्वालिटी, भड़कता कौन है, भड़कता कौन, अभी गुस्सा कौन करता है एकदम से, इंसान करते हैं। यू माइट गेट ए बेटर इंप्रेशन ऑफ हाउ द विंड ब्लो दैट डे। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि हवा कैसे चली होगी। ऊपर फोटो देखिए, ऐसे हवा के फेस बना दिया जैसे हवा फूंक मार रही है। फूंक कौन मारता है? इंसान मारते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आगे देखिए, इज पर्सोनिफिकेशन यूज इन अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम पोइट्री। क्या पोइट्री के अलावा कहीं और पर भी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है? डेफिनेटली, पर्सोनिफिकेशन हर जगह देखने को मिलेगा। पर्सोनिफिकेशन इज यूज इन मैनी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, एडवर्टाइजिंग, आर्ट एंड ड्रामा। लिटरेचर के अंदर, म्यूजिक के अंदर, विज्ञापन के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर, आर्ट एंड ड्रामा, ड्रामा के अंदर। देखिए ये मेरे को बात यहाँ से याद आई, एडवर्टाइजिंग के लिए जो एड्स आती हैं टेलीविज़न पर आप देख रहे हो, वहाँ पर क्या होता है,
जो चीज़ें वो बोलती हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई कोई साबुन है वो बोल रही है, कई बार कोई शैम्पू है वो बोल रहा है, या कोई किसी भी चीज़ की ऐड करनी है, कार बोल रही है मशहूरी करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो वहाँ पर भी चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं और वो ऐसे एक्शन करती है जैसे कि एज ह्यूमन बीइंग। दीज में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू नॉवल्स के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज के अंदर, फेरी टेल्स के अंदर, कहानियों के अंदर जो परियों की कहानियाँ होती हैं, वहाँ पर कोई फूल बोल रहा है, खरगोश बोल रहा है, कभी कोई हाथी बोल रहा है, चंपक, आपके पंचतंत्र की कहानियाँ। मोगली में देखिए, मोगली आपने देखा होगा जंगल बुक, उसमें से क्या है, वो शेर खां बोलता है, भालू बोलता है, पेड़ पौधे बोलते हैं, वो सारा का सारा पर्सोनिफिकेशन है मोगली को छोड़कर, क्योंकि मोगली तो इंसान है वो तो बोलेगा, वहाँ पर जानवर बोलते हैं, आपके पेड़ पौधे फूल सब कुछ बोलता है। जो चीज़ें इंसानी नहीं है वो उनके अंदर इंसानी गुणों को दिखाया गया है, डेट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, दीज ऑल आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। ओके, बाकी टेलीविजन्स के अंदर, शोज़ के अंदर, फिल्म के अंदर, थिएटर के अंदर बहुत सी चीज़ों को बोलते हुए, इंसानों की तरह हरकतें करते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए, रोते हुए, ये सारा कुछ क्या है, पर्सोनिफिकेशन तो है। आगे चलते हैं, देखिए बहुत बढ़िया, एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द वेल नोन पोइम, एक बहुत ही जानी पहचानी पोइम है, मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर करवा भी रखी है और मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसका राइटर ही मेरा फेमस है, फेवरेट है, कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, नेचर का पुजारी, वर्शिपर ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज का फ्रेंड, रोमांटिक एज को शुरुआत करने वाले लिरिकल बैलेड के साथ, विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी बहुत ही बढ़िया पोइम, और ये पोइम तो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी थी और आपके बहुत सारे लिटरेचर के अंदर फेमस एग्जाम्पल है, इसको तो पढ़ना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। देखिए पढ़ता हूँ मैं इसको, ज़्यादा डिटेल में नहीं, सीधा जितना हो सका उतना समझा दूँगा, क्योंकि डिटेल के अंदर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस पोइम इन अदर वीडियो, मैं कर चुका हूँ, आप यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्स वो तो कह रहे हैं कि आई, मैं खुद वंडर्ड, घूमना बेफालतू के, बिना किसी मकसद के, लोनली एज ए क्लाउड, कि मैं एक बादल, अकेले बादल की तरह घूम रहा था। जस्ट फील कीजिए, इधर फोटो को देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि मैं एक बादल, अकेले बादल की तरह घूम रहा था। पहली बात तो यहाँ पे एग्जांपल है सिमली का, एज लगा हुआ, जो कि अपनी लास्ट वीडियो थी ना सिमली, एज लगा है तो यहाँ पे सिमली है, बट ये कह रहा है कि लोनली क्लाउड, अकेला बादल, अकेला कौन होता है, इंसान होते हैं, कभी अकेला बादल नहीं होता, ठीक है, बादल कोई इंसान थोड़ी है कि अकेला रह गया, तो यहाँ पे बादल को पर्सोनिफाई भी किया गया है और एज का यूज़ करते हुए आपकी सिमली का यूज़ किया गया है। डेट फ्लोट्स ऑन द हाई ओवर द वॉल्स एंड हिल्स, अब उस बादल की बात कर रहा है कि वो बादल वेल्स के ऊपर, हिल्स के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है। वेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, तभी विलियम वर्ड्सवर्थ तो कहते हैं कि मैंने एक, आई सॉ ए क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी, ए होस्ट ऑफ गार्डन डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी डैफोडिल्स की मैंने एक भीड़ देखी। भीड़ किसकी होती है, इंसानों की होती है, हमारी भीड़ होती है, हमारे जैसे लोगों की भीड़, बट ये कहता कि मैंने भीड़ देखी, किसकी, डैफोडिल की, तो डैफोडिल को पर्सोनिफाई कर दिया क्योंकि भीड़ इंसानों की होती है। बिसाइड द लेक, बनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो कह रहा है कि वो जो डैफोडिल थे ना, जो फूल थे, डैफोडिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, इंसानी नहीं है, पार्ट ऑफ नेचर है, वो कहते वो लेक, कोई झील थी वहाँ पर, और कुछ पेड़ पेड़ थे, पेड़ों के नीचे झील के किनारे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, यानी कि फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। अब जरा सोचिए, क्या फूल नाचते हैं, नाचते तो अपने हैं, अब वैसे भी शादियों का सीजन है, डीजे पे ठुमका कौन लगाते हैं, इंसान लगाते हैं, ये कह रहा कि फूल नाच रहे थे, दिस इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, डैफोडिल को पर्सोनिफाई कर दिया। आगे देखिए आपकी ये, इसके साथ ये पोइम भी क्लियर हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स एज द शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे द स्ट्रेच एंड द नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली लाइन के अंदर वो फूल दूर दूर तक, दूर तक फैले हुए थे, कभी ना खत्म होने वाली लाइन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली, क्या कोई ऐसी लाइन है जो कभी खत्म ना हो, तो
अपनी पुरानी वीडियोस को भी यहाँ पर मैं थोड़ा जोड़ के आपको बाकी जो रिलेटेड डिवाइसेस हैं उनको लेके चलूँगा, क्योंकि इस पोएम के जरिए बहुत सारी डिवाइसेस आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कह रहा है कि कभी ना खत्म होने वाली मैंने डैफोडिल्स की लाइन देखी, ये हाइपरबली है, बात को बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पे यूज़ किया गया है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ वे, कोई खाड़ी है, खाड़ी के किनारे किनारे। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, एक झलक में मैंने 10,000 फूल देखे। बताओ, आपने एक झलक किसी की तरफ देखा और आपने गिन भी लिया कि 10,000 फूल हैं, ये भी हाइपरबली है, अतिशयोक्ति अलंकार। टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्रेडली डांस, और वो फूल क्या कर रहे थे, अपनी मुंडी को, सिर को हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। फिर वही बात, अब फूलों को क्या कर रहा है, परसोनिफाई कर रहा है, कि फूल अपने सिरों को हिला रहे थे और डांस कर रहे थे, ये परसोनिफिकेशन है। द वेव बिसाइड देम डांस, अब वो कह रहा है कि फूलों के साथ में जो झील थी ना, झील के अंदर एक लहर, लहर भी डांस कर रही थी, पानी की वेव, वेव ऑफ वाटर, क्या पानी की लहर डांस करती है क्या? यहाँ पर अपने वेव को भी क्या कर दिया, लहरों को पर्सोनिफाई कर दिया। बट दे आउटडिड द स्पार्लिंग वेव्स इन ग्ली, बट उन्होंने, फूलों ने लहर को भी पिछाड़ दिया, उनका डांस, डैफोडिल का डांस ज़्यादा बढ़िया था। अब ऐसे लग रहा है जैसे कोई दो इंसान नाच रहे हों, मानवीकरण किया गया है डैफोडिल का, वेव्स का। ए पोइट कुड नॉट बी गे, अब ठीक है, ज़्यादा पोइम पूरी अब जाके देखना वरना ये पोइम सारी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है कि वैसे ये पर्सोनिफाई करेगा उनको, डैफोडिल को और वेव्स को। आगे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, कुछ फोटो के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स, अब यहाँ पे फोटो में देखिए भाई साहब, ये कार्टून है, आप लोगों ने देखे होंगे, एक गाड़ी के नाक भी है, दांत भी हैं, मुंह है, आंखें हैं, इधर वाली गाड़ी के भी देखो आंखें हैं, वाह, ऐसा लग रहा है ये गाड़ियाँ नहीं है, कोई इंसान, दो दोस्त खड़े हैं, ये भी आपका एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन का। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स, डेफिनेशन याद रखना। आगे चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन हेल्प्स द रीडर गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट द ऑथर इज राइटिंग अबाउट, फायदा क्या है पर्सोनिफिकेशन का, राइटर क्या लिखना चाहता है, हम उसको क्लियर कर पाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं, देखिए फोटो के साथ एग्जाम्पल को देखिए। द ट्री बाय द रिवर, यानी कि पेड़ जो कि नदी के किनारे, वेप्ट, रोया अंडर द वेट ऑफ स्ट्रॉम, तूफान के भार के नीचे नदी के किनारे पेड़ रोया, रोता कौन है, इंसान। तो यहाँ पे जो बीपिंग क्वालिटी है वो ट्री को दी गई है, ट्री इज बीपिंग, पेड़ रो रहा है, क्या पेड़ रोता है, नहीं। तो यहाँ पर ट्री को पर्सोनिफाई किया गया, ट्री हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन दिस सेंटेंस बाई यूजिंग, बाई गिविंग क्वालिटी ऑफ बीपिंग विच इज ह्यूमन क्वालिटी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लेड्स ऑफ ग्रास स्ट्रगल्ड इन द सैंड, ब्लेड्स आप कह दो घास के जो ब्लेड्स होते हैं, यानी कि तिनके या उनके जो शाखाएं होती हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया इन द सैंड, मिट्टी के अंदर स्ट्रगल किया। अब स्ट्रगल कौन करता है, इंसान करता है, यहाँ पे घास को स्ट्रगल करवा दिया, तो स्ट्रगलिंग इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग, यहाँ पे घास को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। द टाइड स्कूल बस स्पैट आउट इट्स स्टूडेंट्स, थकी हुई बस ने, पर तो बस को थका दिया, थकता कौन है, इंसान, तो यहाँ पे स्कूल बस को पर्सोनिफाई कर दिया। स्पैट आउट इट्स स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट को बाहर थूक दिया, यानी कि उतार दिया, बट थूक दिया, थूकता कौन है, इंसान। तो यहाँ पर स्कूल बस को पर्सोनिफाई किया गया है। आगे देखिए, द इंसेक्ट्स ग्रीटिंग ग्रिटेड द वॉर्म एयर विद लाउड चिरपिंग, जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्होंने वॉर्म एयर का स्वागत किया, ग्रीट किया लाउड चिरपिंग के साथ। अब स्वागत कौन करता है, इंसान, तो यहाँ पर अपने इंसेक्ट्स को पर्सोनिफाई कर दिया। आगे देखिए, फियर नॉक्ड ऑन द डोर, डर ने दरवाजे पर दस्तक दी। बताओ, डर कोई इंसान है जो दरवाजे पर आएगा, दरवाजे पर कौन आता है, इंसान आते हैं। तो यहाँ पर फियर जो कि आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप देख नहीं सकते, उसको पर्सोनिफाई कर दिया। आगे देखिए, द सुनामी,
सुनामी स्वेलोड एवरीथिंग इन इट्स पथ। सुनामी के रास्ते में जो भी आया उसने उसको निगल लिया। निगलता कौन है? इंसान, क्योंकि इंसानों के माउथ लगा होता है, माउथ से चीज़ों को स्वेल करते हैं, निगलते हैं। बट ये कह रहा है कि सुनामी ने रास्ते में जो चीज़ें आई उसको निगल लिया। तो सुनामी को क्या कर दिया? परसोनिफाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, 20-22 मिनट की वीडियो के अंदर आपको मैंने परसोनिफाई को क्लियर कर दिया। ये था आपका परसोनिफिकेशन। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ह्यूमन की क्वालिटी दी जाती है वो आपकी परसोनिफिकेशन होता है। जिसको इंसानी गुण दिए जाते हैं उसे परसोनिफाइड किया जाता है। ठीक है, कोई ना कोई इंसानी वर्च्यू गुण क्वालिटी देकर उनको हमें एज ए ह्यूमन एक्शन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका परसोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वही लाइक कर सकते हो, कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा बुरा जो आपको अच्छा लगे भाई लिखिए। अगर टाइम नहीं है, आप पढ़ रहे हो, फिर भी कोई बात नहीं है, लाइक करना कमेंट करना डजेंट मैटर। मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की, अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।